मामला है आप? अजीब आदमी है आप। आदाब, मुझे यहाँ बुलाकर आप गायब हो गए। आई एम सॉरी यार, वो दरअसल एक्साइटमेंट में मुंह से निकल गया कि क्लब जाने का प्रोग्राम है, तो उस वक्त से लेकर अब तक हाउस रेस्ट। तुम्हारा वजूद जो है ना, मर्दों के लिए जिल्लत का बायस बनता जा रहा है। प्यारे, जो जिल्लत में लज्जत है वो इज्जत में नहीं। क्या कहते हैं? बड़ी मुश्किल से सीधे रास्ते पर आते हो तुम भी। इन्हें कराची लेके जा रही हूँ नासिर भैया। अरे वो क्यों? वो इसलिए कि ये समझती हैं कि पिंडी में रह के मैं आवारा हूँ। कराची इनके वालदैन का शहर, वहाँ रहूंगा तो इनके वालदैन के रोब में रहूंगा। ये खानदान की शादियाँ भी बहुत लजीज और आरामदेह हो। अब देखो ना, इनके अब्बू जो है वो मेरे मामू हैं, यानी यूँ समझ लो कि मेरे मामू जो है इनके अब्बू हैं, यानी एक रिश्ते से ये मेरी बहन भी। क्या बकवास है मियाँ? अपनी खानदानी शादी समेत चलते बनो रियाज मियाँ, तुम्हारा काम तमाम हो चुका। यही किस्सा गम सुनाने के लिए मैं हाजिर हुआ था। कराची मेरी मदद के लिए जरूर आना भैया। जरूर आएंगे। ये मेरे स्लाटर हाउस यानी ससुराल का पता है। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं कहता हूँ हद हो गई है, कयामत आ गई है, गजब हो गया। कैसा गजब, कैसी कयामत? अरे तुम्हें ये भी मालूम नहीं, रात के 12 बज गए हैं और तुम्हारा आवारा साहिबजादा अब तक घर नहीं आया। आए हाय तो आ जाएगा, ऐसी भी जल्दी क्या है? तुम्हारी इन्हीं रियायतों ने नासिर ही को नहीं, इस घर के निजाम को दरम गरम कर डाला है। गजब खुदा का, इतनी रात गए तो सारा शहर सो जाता है और आपके साहिबजादे अब तक घर से गायब है। अंकल, हम लोग भी तो अभी तक जाग रहे हैं ना, अगर नासिर होते तो वो भी जाग रहे होते। तुम चुप रहो शायरा, उस सवारा लड़के की तरफदारी करने से बेहतर है तुम अपने कमरे में चली जाओ। जी अच्छा। अरे शायदा बेटी, नाराज हो गई क्या? जी नहीं अंकल, भतीजी की सिर्फ एक ही गुस्से भरी बात कहने के बाद मौन की तरह पिघल जाते। वो अच्छी लड़कियों की तरह घर पर रहती है, तुम्हारे आवारा बेटे की तरह। आइए आइए, तशरीफ लाइए। मेरा ख्याल है शायद आप कुछ जल्दी आ गए आज, और इसीलिए आपकी वालदा मुहतरमा आपके इस्तकबाल के लिए खड़ी। मुझ पर शिकवा चुस्त करने की कोशिश न करना मियाँ। काश मैं तुम्हें दुरुस्त कर सकूं। क्या कहा? डैडी, आप मुझे निशाना बनाकर बिना वजह मेरी अम्मी से झगड़ते रहते हैं, और आप इस झगड़े से फायदा उठाते हुए अपने देर से आने के प्रोग्राम को तूल दिए जा रहे हैं। क्या आप ये बताना पसंद फरमाएंगे कि आप इस वक्त कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? जी क्लब से। कौन सी क्लब? वही अपनी 3 स्टार क्लब, जहाँ जाने से मैंने आपको बारहा रोका है। मिस्टर बरखुरदार नासिर, कान खोल कर सुन लो, हमें तुम्हारे ये तौर तरीक बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए कि अपने कमरे में जाओ। जी तुम नहीं, तुम जाओ। हम चाहते हैं कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी कर दी जाए। जी, और शादी से पहले हर लड़के का ठीक ठाक होना। लेकिन आप मेरी शादी कहाँ करना चाहते? मैं तो अम्मी से पहले कह चुका हूँ कि ये मेरा बेटा अपनी पसंद से लड़की देखभाल के जांच पड़ताल करके फिर शादी करेगा। लड़की न हुई हिसाब का सवाल हो गई। तुमने फिर वही बात की जी? बात वही है जो एक अरसे से सारे घर के लिए उलझन बनी हुई है। तुम्हारा लड़का अब तक दर्जनों लड़कियां रिजेक्ट कर चुका है, और हमारा ये फैसला है कि घर का रिश्ता घर ही में रहेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी शादी शायदा से होगी। आपका फैसला पुराने जमाने का रिवाज है, जिसके आगे सिर्फ लड़कियां सर झुकाया करती थी। लड़के तो उन दिनों भी अपनी पसंद और अपनी मर्जी का इजहार कर दिया करते थे। जो तलवार पुराने बुजुर्ग नहीं चला सके, आप उससे मेरा गला नहीं काट सकेंगे। ये मेरा फैसला है। बेगम, कुछ सुना तुमने? जी हाँ, ये घर का रिश्ता भी घर को जहन्नुम बना के छोड़ेगा। तुम्हें अपने डैडी के फैसले से इत्तेफाक नहीं, तो तुम मेरे दिल की धड़कनों को क्या जानो? लेकिन तुम बेकसूर भी हो, इसलिए कि तुम्हारे डैडी मम्मी के रहम करम पे पलने वाली शहजादा ने वो तुम्हें अपने मन में बसाया है। लेकिन मैं भी तो बेकसूर हूं, तुम तो खुद इस दिल में चले आए हो चुपचाप से, और मैं सब कुछ भूल गई। हमें मालूम है कि उस बदतमीज की बातों से तुम्हारे दिल को दुख पहुंचा है। जी नहीं तो अंकल। इस बात से इनकार तुम्हारी जबान ने किया है, लेकिन हमने तुम्हारी भीगी हुई पलकें देख ली हैं बेटी, इसलिए हम तुम्हें ये बता देना चाहते हैं
कि नासिर का इनकार हमारे फैसले को नहीं बदल सकता। तुम्हें अपना दिल छोटा करने की क्या जरूरत है बेटी? इस घर में वही होगा जो हम चाहते हैं या फिर जो तुम चाहते हो। समझी बेटी? राजी बहन, जिस सब तुम नासिर के लिए कोई मुनासिब लड़की तलाश करोगे। राजी खाला को बुलाने से क्या था? अब तक तो नासिर के लिए राजी खाला ने बे इंतहा नामाकूल और दफियानूसी रिश्ते तलाश किए। किसी की नाक चपटी, किसी की आंखें गोल, कोई 3.5 मन का लिहाज, कोई बात करने से शर्माती है और किसी को कपड़े पहनने की तमीज नहीं। लेकिन नासिर बेटा, तुम अपनी शर्त छोड़ क्यों नहीं देते? ये नहीं हो सकता। शादी करूंगा तो लड़की देख कर, परख कर, बातें करके, उसकी पसंद नापसंद जान के, यानी लव मैरिज। फिर तो बहुत मुश्किल है, तो इस मुश्किल को आसान करो। बस एक बार कहीं और बातचीत चलाओ राजी बहन। दर्जनों रिश्ते नामंजूर कर चुके हैं आपका लड़का। रावलपिंडी में तो नासिर की शोहरत बहुत खराब हो गई है, किसी दूसरे शहर में बातचीत करो। दूसरे शहर? हाँ, ये तो हो सकता है। कराची में एक सीट ताहिर अली है, उनकी लड़की पढ़ी लिखी और वलायत पास है, बाप के साथ कारोबार तक करती है। ये ठीक रहेगा राजी खान। शक्ल सूरत कैसी है मोहतरमा? चेहरा मासूम, खूबसूरत जिस्म, दिलकश आवाज और इंतहाई मॉडर्न। अगर वहाँ बातचीत बन जाए ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बस फिर मैं आज ही चली जाती हूँ। आप कल परसों तक नासिर को कराची भेज दें, लेकिन खुदा के लिए उन्हें यह न बताए कि लड़की देखने आया है, बस उनके घर किसी बहाने से आए। बहाना ये है राजी खाला के मैं रियाज के घर ठहरूंगा। तुम लड़की वालों से कहना कि किसी बहाने रियाज को खाने या चाय पर बुला ले, मैं रियाज के साथ आ जाऊंगा और लड़की से भी। नहीं, तू लड़की से कोई बात नहीं करेगा, समझ गया? ये लो 500 रुपया और आज ही जहाज से कराची चले जाओ। और अगर काम बन गया तो शाम के जहाज से मैं भी आ जाता हूँ। तू जहाज पे नहीं जाएगा, ट्रेन पे जाएगा। ट्रेन से जाऊंगा अम्मी, तो रिश्ता लेट होगा। नहीं नासिर, तूने मेरी कसम खा रखी है, आइंदा जहाज पे कभी सफर नहीं करेगा। अच्छा अम्मी, ट्रेन से ही चला जाऊँ। तुम यहाँ क्या कर रही? जी वो सुना है तुम कराची जा रहे हो, इसलिए बक्स में कपड़े रख रही थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर लिया करता। बस इतनी सी बात है, मैं तो इन कपड़ों को बक्स में रखते हुए दुआएं मांग रही थी कि तुम जिन खुशियों की तलाश में जा रहे हो उन्हें हासिल करके लौटो। ये तंज और ये दुआएं मैं खूब समझ सकता हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ। काश तुम समझ सकते, महसूस कर सकते, लेकिन महसूस ही नहीं कर सकते हो तुम। कराची पहुंचने वाला है, रावलपिंडी के बड़े खाते पीते घर आने से है। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो तुमने दर्जनों रिश्ते नामंजूर करने वाली बात कही है, ये आप इस बात की फिक्र ना करें। मैंने उसकी माँ को अच्छा खासा डराया धमकाया था, फिर आप लड़के से मिलेंगी तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। लेकिन मैं उसे मिलूंगी कैसे? घबराइए नहीं, लड़का इतना एडवांस है कि वो खुद ही आपसे मिल लेगा। वो अपने दोस्त रियाज के पास ठहरेगा, आप चाहें तो जाकर उसे देख लें। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो फिर वो खुद ही आ जाएगा, और आप उस पर ये जाहिर मत कीजिए कि आपको उसके आने के मकसद का इल्म है। हाँ ये ठीक है। ओफो, ओ सीना, तुम्हें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नफरत है मुझे इन बेहूदा अंग्रेजी चीजों से। ये पाकिस्तानी मेमो और लंडे के साहबों से तुम्हारी दोस्ती रही तो मेरा तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। ओ सीना, तुम तो हर वक्त फजूल बातें करती, चलो आओ दोस्तों के साथ मिलकर। माशाल्लाह क्या अच्छा डांस हो रहा है, जाओ जाओ तुम्हें करो ये डांस, बख्शो मुझे। ओ सीना, नाहिद अभी तक नहीं आई। खैरियत हो? वरना डांस का आइटम तो उसने आज तक कभी मिस नहीं किया। हो सकता है इस बार कोई। अरे इस बार
इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सब लोग सुनकर पागल हो जाएंगे। माशाल्लाह, इन्हीं की कमी रह गई थी। मेरे लिए एक साहबजादे का पैगाम आया है रावलपिंडी से। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अरे गुड नहीं, बैड। साहबजादे की क्वालिफिकेशन ये है कि अभी तक दर्जनों रिश्ते नामंजूर कर चुके हैं, यानी कि जी भरकर औरत को जलील कर चुके हैं। अब तुम खुद ही सोचो, अगर कोई लड़की उन साहबजादे के साथ घूमने फिरने या इश्क मोहब्बत करने से परहेज करती हो तो लोग तो यही समझते होंगे कि लड़की का किरदार बैड है। अब पता है, अब वो साहबजादे मुझे पसंद करने आ रहे हैं, लेकिन मैं उनको ऐसा सबक दूंगी कि आइंदा किसी मर्द को किसी औरत की तौहीन करने की जरूरत ही ना हो। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो किस तरह? मैं बताती हूँ। बताओ। अल्लाह करे अब ये लोग मेरे चक्कर में आ जाए। फरमाइए। जी वो बात दरअसल ये है कि एक परेशानी हो गई है। किसी ने धोखा दिया शायद? जी नहीं, वो एक फ्लैट चाहिए। यही रहिए ना। जी जी नहीं, शुक्रिया। वो दरअसल बात ये है कि मुझे नहीं, मेरी एक पागल सहेली है, उसके लिए हमें एक फ्लैट चाहिए। आप भी कुछ कम पागल नहीं। जी? मेरा मतलब कि मेरी तो बीवी ही पागल है। पागल इनकी सहेली, वो सहेली पागल हो गई। क्यों पागल हुई? किस लिए पागल? क्या वजह क्या है? जी, वो दरअसल बात ये है कि बड़े घर की लड़की है, इसलिए पागल हो गई। वो जी नहीं, शेख ताहिर अली की बेटी नहीं, नहीं, वो बेचारी पैदाइशी पागल, पैदाइशी पागल, और वो डॉक्टर वाहिद के जेरे इलाज है। डॉक्टर वाहिद के जेरे इलाज? हाँ जी, इसलिए हमें एक खाली चाहिए। वो जो साथ वाला है ना डॉक्टर, उसके जेरे इलाज, मैं आपकी क्या कर सकता हूँ? जी वो तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा? बड़े देर से मैं तुम्हारे मुंह की तरफ देख रही हूँ। वो बेगम तो बड़ी बदतमीज है। मेरे और आपके ख्याल कैसे मिलते हैं? मैं कहती हूँ अंदर चलो, और तुम्हारे ख्याल अंदर जाके मिलाती हूँ। बात तो कर लेना ना, एक लड़की है, उससे बात करनी। मैं कहती हूँ सीधे ऊपर अंदर चले जाओ। हाँ रियासत, मेरा ख्याल आप अंदर चले जाएं, क्योंकि ये चाकू छुरियाँ, ये चाकू छुरी माइंड ना करें, तो तेज कर रहे थे, इसका बाप भी यही काम करता है, तो मशीन रखे ना, इसलिए चलो। शुक्र है, अपना तो काम बन गया। सुनिए, फरमाइए। रियासत जी, मुझे मालूम नहीं कहाँ चली। ठीक है भैया, तुम्हारे कहने में छोड़ देती हूँ। चाय वाय नहीं पिलाएंगे आप? क्यों नहीं, जरूर। शुक्र है। और करो खानदान में शादी। तो यार जरा तबीयत की गर्म है, जुबान की तलख। वैसे बहुत खूबियों के मालिक, बहुत अच्छी आर्टिस्ट। कैसे आयो? मैं तुम्हारे शहर में अपनी होने वाली बीवी देखने आया हूँ। तो क्या तुम्हारे शहर की तमाम लड़कियाँ? जी नहीं, सुना है तुम्हारे शहर के तमाम लड़के ही। वैसे रियाज, सुना है तुम्हारी होने वाली भाभी है मासूम चेहरा, खूबसूरत जिस्म, दिलकश आवाज और बेहद मॉडर्न। जब तू स्पेस का इतना जोग्राफिया जानता है तो तुझे देखने की क्या जरूरत है? लड़की को खुद देखना तो मेरी शर्त। अरे दर्जनों लड़कियां रिजेक्ट कर चुका मैं, ब्लाइंड का आदि नहीं भाई, देखभाल के चाल चलूंगा, आखिर जिंदगी भर का दाव है। इसका मतलब है तू शो कराना चाहता है, लेकिन उस स्पेस का पता तो चलेगा वो कौन है। सेठ ताहिर अली है, उनकी बेटी है नाहिद। सेठ नाहिद अली की बेटी ताहिर? नहीं, ताहिर अली की बेटी नाहिद। ताहिर अली के प्रॉब्लम होगी यार, वो तो प्रॉब्लम है, वो तो पागल है। पागल है? हाँ, क्या रहता है, बिल्कुल पागल है। मां से अगर तुझे यकीन नहीं आता ना तो चल मेरे साथ, मैं तुझे साबित करके देता हूँ। डॉक्टर साहब, ये मेरे दोस्त हैं और पिंडी से तशरीफ लाए हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ, आप जरा लेट जाइए। जी लेट जाइए। इन्होंने नाफ तो नहीं मलवानी, मेरी बात तो सुने आप। आप फिक्र ना कीजिए भाई, आप हर किस्म की परेशानी को जहन से निकाल कर ये बताइए कि आप क्या महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? भाई बात तो मैं इस पागल मरीज की सुनूंगा जिसका मुझे इलाज करना है। वो पागल डॉक्टर साहब, ये पागल नहीं है। तो फिर इसे क्या शिकायत? शिकायत तो हमें आपसे है कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे। डॉक्टर साहब ये मेरे दोस्त हैं, पिंडी से तशरीफ लाए हैं और शेख ताहिर अली की बेटी नाहिद से मिलना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, अच्छा वो पागल सी लड़की नाहिद? पागल लड़की, सुन लिया। डॉक्टर साहब अब जरा तफसील से उस लड़की के बारे में इसे बता दीजिए, ताकि ये किसी मुसीबत में ना फंसे। अच्छा अच्छा, वो तो भाई बड़ी पागल किस्म की लड़की है, बहुत ही खूंखार है, सारा दिन जंजीरों में जकड़ी रहती है और अपने कपड़े तक फाड़ देती है।
कुछ महसूस किया है? किस खौफनाक हद तक पागल है ये लड़की? शुक्रिया। यार कमाल है, वो डॉक्टर तुझे पागल समझा? देखा कितना काबिल और जहीन डॉक्टर है। मार खाएंगे आप? यार मुझ पे क्यों बिगड़ते हो? अरे बिगड़ना क्या है, तुम्हें लगता है सारी दुनिया में मेरे लिए कोई लड़की है? लड़की नहीं है तो मेरा मतलब है कि आइंदा जिंदगी के बारे में क्या प्रोग्राम है आपका? आज ही वापस चला जाऊंगा। और जिंदगी भर शादी नहीं करो? हाँ। मेरी बात मानो तो रिश्तेदारों में शादी कर लो। जी नहीं, आप मेरे साथ स्टेशन चलते हैं तो चलिए, नहीं तो मैं अकेला जा रहा हूँ। यार कमाल, अकेला कैसे जाने दूंगा? तेरे साथ मैं पागल खाने चला गया था, स्टेशन नहीं जाऊंगा। बैग लेके आ मेरा। अच्छा बेगम, क्या है? बैग मांग रहा हूँ, बैग मांग रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप प्लेटफॉर्म की तरफ से क्यों नहीं सवार हुए? ओह, प्लेटफॉर्म की तरफ से स्टूपिड सवार होते हैं, मैं तो ऐसे ही सफर करती हूँ। चलती गाड़ी में? ओह यस, चलती गाड़ी में सवार होना मेरी हॉबी है। अच्छी हॉबी है आपकी। थैंक यू। आओ ना। जी। अरे ये तो मेरे कुत्ते का नाम है, पसंद आया आपको? जी हाँ बेशक। मिस्टर, बाय द वे आपका नाम? नासिर। ओह, नॉट योर स्विच नेम। अब देखिए मेरा नाम रोजी है, प्यारा है ना? प्यारा है? अरे प्यारा नहीं, प्यारा मेरे सब सहेलियों को पसंद है। ठीक ही कहती होंगी आपकी सहेली। स्टेशन है? मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं? तो अगला स्टॉपेज कौन सा है? जी गालिबन जंगशाही। जंगशाही? अच्छा, तो यहाँ जरूर कोई शाही जंग हुई होगी। आप नहीं जानती क्या? मैं तो आज ही आपके मुल्क में नैरोबी से आई हूँ मिस्टर नासिर। और खूब वक्त पर आई। मेरे माँ बाप वही है, वो यहीं के रहने वाले हैं। मैं आपके मुल्क में सैर तफरी करने आई हूँ। सैर तफरी? बहुत खूब। फिर तो आपको सारे पाकिस्तान में मुझसे अच्छा गाइड नहीं मिलेगा। गाइड? मुझे किसी गाइड की जरूरत नहीं। देखिए इस मुल्क में अकेली लड़की का घूमना फिरना बहुत मुश्किल। ये मुश्किल म्यूजिक से आसान हो जाएगी। म्यूजिक से आसान हो जाएंगे? जी हाँ, मेरे पास मुश्किल आसान करने का म्यूजिक है। सोने का है, जागने का है, उठने का है, खाने का है, पीने का है। आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है? यहाँ तो ज्यादातर रोमांटिक म्यूजिक पसंद किया जाता है। सॉरी वो नहीं है। नहीं नहीं, गाड़ी में बैठी। आपको कोई इतराज? ये तो मेरी हॉबी है। आप चार्ज हो जाएंगी मोहतरमा। आई डोंट माइंड। आप कहाँ तक जाएंगी? हाय, जहाँ तक घटा चले। दरअसल आप मुझसे बात कीजिए, मैं इनका गाइड हूँ। ये सारे पाकिस्तान का टूर करेंगे लेकिन जर्नी ब्रेक कर करके। आइए टिकटों का करते हैं। आप
से जबरदस्ती मेरे गाइड बन गए। आपके भले के। अच्छा तो मिस्टर गाइड, हमारे भले का अगला स्टेशन कौन सा होगा? लाहौर। लाहौर? तो फिर लाहौरी म्यूजिक लगाती है। लेकिन कुछ नहीं, अपने लिए कितना शानदार मकबरा बनवाया है। बस मर्द होते ही जालिम है। तुम जिसे जालिम कह रही हो, उस जहांगीर को अपनी नूर जहां से इतनी मोहब्बत थी। मुझे मोहब्बत के नाम से नफरत है। और हम मोहब्बत के नाम पर बहाने को तैयार। आई एम सॉरी नासिर। बाबा अभी तो इब्तिदा। मेरे पास कोई दवा भी नहीं जो इस पे लगा दूं। अरे ठीक है, दवा और खून। आप कौन हैं? मैं हूं मिस्टर रॉबर्ट।
मिसेस साबित। मैं हूँ डॉक्टर होम्योपैथिक MBBS और मैं हूँ नर्स एलोपैथिक। बड़े बड़े पैथिकों के साथ काम किया है। शी इज माई वाइफ यू नो। आज तक इसने जितने भी केसेस किए हैं खराब। क्या बकवास है? क्या कह रही? पर मारे अंदर आ जाओ। ओह स्वीट जीसस कमिंग कमिंग। वैसे मैं फार्मिस्ट भी हूँ और मैं हाथ देख के बता सकता हूँ कि ये मरीज जिंदा रहेगा या और मैं जियोलॉजिस्ट जमीन देखकर बता सकती हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो फिर इंसान के मुतालिक जानना तो बहुत आसान है। वैसे मैं हैरान हूँ आप मियाँ बीवी क्या क्या करते हैं। जाएं मैं वकील भी हूँ। लेकिन आज तक कोई मुकदमा नहीं जीता। शट अप शट अप शट अप। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत मसरूफ हैं और यकीन कीजिए कि हमारी बातें सुन के आप दोनों मियाँ बीवी को भी बड़ा मजा है। ये बात बस इतना बता दीजिए आप कहाँ तक जाएंगे हमारे सर का दर्द बनके। आप कहाँ जाएंगे? कराची। कराची कराची कराची। आप कहाँ जाएंगे? कराची। लेकिन हम तो पेशावर जा रहे हैं। ओ मिसेस रॉबर्ट खुदा के लिए जल्दी से जंजीर खींचिए। क्या हो गया बेला डॉक्टर? ठीक है हम कहाँ जा रहे हैं? पेशावर। और वो बेचारे? यकीनन फ्रॉड। और तुम्हारी तरह उनके पास टिकट भी नहीं। जंजीर आपने खींची है? अरे नहीं भैया, वो जा रहे हैं जिन्होंने जंजीर खींची। अम्मी मुबारक हो, मैंने लड़की पसंद कर ली है। बे इंतहा खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अल्ट्रा मॉडर्न, और मुझसे इतना प्यार करती है कि मैं क्या बताऊं। नासिर, प्यार मिल जाने की मुबारक हो। कौन? शाहिदा? ये क्या बकवास है? फोन अम्मी को दो। अम्मी मैं नासिर बोल रहा हूँ। नासिर कहाँ से? कराची से बोल रहा है? जी नहीं, पिंडी स्टेशन। तूने हमें आने की इत्तला क्यों नहीं दी? अभी गाड़ी से आया हूँ और गाड़ी अभी जाने वाली है। क्या कहा? गाड़ी जाने वाली है? जी हाँ। अच्छा ये बता, लड़की पसंद आ गई? बेइंतहा, बस पूछिए मत। खुदा का शुक्र है तुझे भी लड़की पसंद तो आई। सेठ ताहिर अली से मुलाकात हुई थी? अरे सेठ ताहिर अली को गोली मारी है अम्मी, ये तो और लड़की। अरे ये और लड़की कहाँ से आ गई? जी हाँ आ गई, और अब जाएगी नहीं। शरीर पे। अच्छा अम्मी मुझे कुछ दिन लग जाएंगे, घबराइएगा नहीं। खुदा हाफिज बेटे। अच्छा खुदा। ये कमबख्त चकोरी कहाँ मर गई आज? चकोरी? उसकी तबीयत खराब है, वो छुट्टी पर गई हुई है सरकार। कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब होने लगी है उसकी, ऐसा न हो कहीं पक्की छुट्टी देनी पड़ जाए। आप खाना निकालिए। क्या मतलब? खाना शुरू कीजिए। भाई कैसे खाना शुरू करते हैं? घर के दूसरे लोग, मेरा मतलब है शाहिदा बेटी वगैरह। आपकी लाडली भतीजी को जाने क्या हो गया? सुबह से भूख हड़ताल कर रखी है। भूख हड़ताल कर रखी है? कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो। तौबा है, अब अपने घर में खाना भी हमें इस लड़की की बदौलत मिलेगा। शाहिदा बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? जी कुछ नहीं अंकल। ये तुम्हारी आवाज भारी सी क्यों है और तुम्हारी आंखें? जी वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? खाने के लिए तुम नीचे नहीं है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं। बात है कि नहीं? बात आप मुझसे पूछिए। सलमा, जब से मेरे बेटे ने फोन पर इत्तला दी है उसे लड़की पसंद आ गई है, तुम्हारी लाठी भतीजी ने किससे बहाने शुरू कर दिए? मैं कहती हूँ तू इस घर में कोई नहुसक लेकर आएगी लड़की। कर बात करो सलमा। तुम मुझे बात करने दो जी, तुम्हारी भतीजी का दिन रात का रोना मेरी और मेरे बेटे की खुशियों को बर्बाद करके रहेगा। बेगम। डांटते क्यों है अंकल, कह लेने भी जानती हूँ। आखिर उन्होंने एक यतीम और बेसहारा लड़की को अपने घर में पना दी है। इस घने दरख्त की छांव में सुख पाने के बाद
मुझे इसके साय में आंसू बहाने का कोई हक नहीं। मुझे माफ कर दीजिए आंटी, बस ऐसे कभी कभार आपकी लाश शपथों के बावजूद मुझे अपनी अम्मी याद आ जाती है और दिल यूं ही भर आ जाता है। इस बात पे यकीन रखिए आंटी कि अगर मैं नसीब जली आपको कोई खुशियां नहीं दे सकती तो मैं आपकी खुशियां बर्बाद भी नहीं करूंगी। अंकल, ये पत्थर दिल आंसुओं से नहीं आग से पिघलते हैं बेटी। ये तुम पर खुशियां बर्बाद करने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी खुशियां पूरी न हुई तो हम इस घर को आग लगा देंगे। हाँ, उसके दिल में मैंने मोहब्बत की आग भड़का दी है और वो इस आग में सुलग नहीं रहा बल्कि जल रहा है। वाह 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 वाह, बड़ी तरक्की की है आपकी कजन ने। इस आग को फौरन बुझाने की कोशिश कीजिए जनाब, कहीं ऐसा ना हो उसको जलाने के बजाय खुद ही जलकर राख हो जाए। सीमा, देखो हम चलते, कितना ख्याल रखती हूँ मैं तुम्हारी कजन का, बोलना करो। अच्छा देखो, खत सुनना, सुनो वरना। अच्छा सुनाओ, रोकना जमाओ। हाँ सुनो, इससे पहले कि वो जलकर राख हो जाए मैं उससे मोहब्बत का इजहार कर दूँ। वाह 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 वाह, बड़े ऊंचे ख्याल आते हैं आपकी कजन के। इसका मतलब ये हुआ कि वो माँ बाप के सर में राख जरूर डालेंगे, है ना? फिर वही बात, क्या फिजूल खत पढ़कर खुश हो रहे। आपकी कजन जो कर रही है ना, ये कोई शरीफाना हरकत नहीं। किसी गरीब की बेटी ने यह हरकत की होती तो हमने उसका जीना दोपहर कर देना था। गई है लड़के को ठीक करने, बात कुछ और ही है। क्या बात है? असल में बात यह है कि आज तक उसे भी इतनी आजादी और रंग रलियां मनाने का मौका पहली बार मिला है। सीमा, तुम नाहिद की हर बात में कीड़े डालते हो। अमजद, ज्यादा तरफदारी मत करो, जरा सोचो तो सही। बाप लायक क्या है, और बेचारी सीधी सादी माँ को बदला लेने का चक्कर देकर खुद उस लड़के के साथ चली गई है। लिख लो मेरी बात, जब दोनों वापस आएंगे ना तो एक मुन्ना भी लाएंगे। ये कैसे हो सकता? ये कोई नई बात है क्या? जब किसी लड़के या लड़की ने एक दूसरे को चक्कर दिया है नतीजा यही निकला है, हजारों साल से ये होता आया है। हाँ। आज से हजारों साल पहले यहाँ जिंदगी हस्ती बस्ती थी। ये उन लोगों के खाने के बर्तन है। ये किसका मुजस्मा है? कितना प्यारा है चौकीदार जी, किसने बनाया है? नाम तो मालूम नहीं हो सका मेम साहब, कहा जाता है कि संग तराज को एक शहजादी से प्यार हो गया था और ये मुजस्मा उसी शहजादी का है। दस्तूर और रवाज के बंधन उनकी मोहब्बत की राह में रुकावट तो बने लेकिन उनकी मोहब्बत को रोक ना सके। शहजादी थी इसलिए खूबसूरत है। नहीं रोजी, इस मुजस्मे के हुस्न में संतराज की मोहब्बत भी शामिल है। फिर मोहब्बत का फिक्र, तुम हर जगह शहर का मजा बर्बाद करते हो। चले कहाँ, आज रात रहना कहाँ? मिस्टर चौकीदार जी, मेम साहब यहाँ कोई रहने की जगह है? डाक बंगला है मेरे साहब। अरे तो चलो, हमारे सोने का बंदोबस्त करवाओ। ठीक है, आओ बाबा। ठीक है, ठीक है। आपके पास बैठना आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। क्या मतलब? मेरा मतलब है आपके पास आग ठीक चेक करते हैं। मिस्टर नासिर, मुझे बातों के चक्कर में लाने के बजाय अपने सोने का चक्कर चलाओ। हम दोनों तो यहाँ डाक बंगले में ठहरे हुए हैं। जी हम नहीं, सिर्फ मैं, तुम वगैरह कहीं और ठहरो। देखिए मिस रोजी, आखिर मैं आपका गाइड हूँ, आपको मुझसे कुछ मोहब्बत आने बताव करना चाहिए। प्लीज चले जाओ, मुझे नींद आ रही है और वैसे भी मैं अकेले कमरे में सोने की आती हूँ। चलिए, खुदा हाफ। तुम्हारा Thank you.
दोनों बातें सही, पागल भी हूं और इश्क भी पत्थर से ही किया है। क्या सोच रहे नासिर? सोच रहा हूं संतराज को शहजादी से कितनी मोहब्बत थी, ना जाने शहजादी ने उसके साथ क्या सुलूक किया होगा। वही क्या होगा जो इस मुल्क में मोहब्बत करने वालों के साथ होता आया है। क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि इस मुल्क की आबो हवा मोहब्बत करने वालों को सूट नहीं करती। अब देखो ना, मिस्टर सी, मिस्टर पुन्नू, मिस हीर, मिस्टर रांझा, मिस सोनी, मिस्टर मेवाल, मैंने सुना है इन सबको खुदकुशी करना पड़ी। हाँ, हुआ तो ऐसे ही था। लेकिन रोजी जी, आप जिसे खुदकुशी कह रही हैं वो मोहब्बत की इंतहा थी, बल्कि हमने भी दिल में ठान ली है कि अगर मोहब्बत में नाकामी हुई तो भाई पुन्नू और भाई रांझे से जा मिलेंगे। देखो नासिर, आइंदा इस टॉपिक पे मुझसे बात नहीं करता, इसलिए कि मैं बिलीव ही नहीं करती। अब ऐसा करो, लाइट ऑफ करो और सोने वाला म्यूजिक लगा दो, इसलिए कि मुझे नींद आ रही है। यस सर।
रोजी ये है तथा घर खुश्क और वीरान चट्टानों के दरमियान वो रह गुजर जहाँ पुराने वक्तों में से न जाने कितने ही हमलावर हिंदुस्तान आए। क्या तारीख की बातें ले बैठे, मैं तारीख में कमजोर हूँ। वैसे भाई दीदी इन पहाड़ों के पार क्या है? अफगानिस्तान। और उससे पार? सूझ। और उनसे परे? सॉरी मैं ज्योग्राफी में कमजोर। डोंट बी सिली, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि इन पहाड़ों के करीब कोई खूबसूरत जगह नहीं। क्यों नहीं? तो फिर वहाँ ले चलो ना। तो फिर टैक्सी में बैठिए ना। खाना साहब बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ आने के लिए किसी बस या टैक्सी या घोड़े पे भी आया जा सकता था। ये पैदल सफर जरूरी था? ये पैदल सफर नहीं जनाब, हाइकिंग है। हाइकिंग है जी। कितनी खूबसूरत जगह है। मैंने कब कहा नहीं है। मेरा मतलब है कितनी रोमांटिक जगह है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अब ये दरख्त और वादियाँ भला क्या रोमांटिक होंगी? रोमांटिक तो तुम्हारा हो सकते हैं। आप कहो मिस्टर, अभी हम इतने बेतकल्लुफ नहीं। अच्छा जनाब, मजीद हाइकिंग का इरादा है? क्यों नहीं। कलियों से हंसी फूलों से जमा महबूब मेरा मस्ताना, महबूब मेरा मस्ताना। कलियों से हंसी फूलों से जमा महबूब मेरा मस्ताना, महबूब मेरा मस्ताना। है नाज हमें अपने दिल पे ये दिल उसका दीवाना, महबूब मेरा मस्ताना। कलियों से हंसी फूलों से जमा महबूब मेरा मस्ताना, महबूब मेरा मस्ताना। है कि महकता गुलशन है ये जिस्म है कुबमाना, महबूब मेरा मस्ताना। कलियों से हंसी फूलों से जमा महबूब मेरा मस्ताना, महबूब मेरा मस्ताना। जमा है मेरा जन्म आदत है अभी बचकाना, महबूब मेरा मस्ताना। कलियों से हंसी फूलों से जमा महबूब मेरा मस्ताना, महबूब मेरा मस्ताना। दिल पर प्यार
न जाने, बस एक कमी है संग दिल में, चाहत से अभी बेगाना, महबूब मेरा मस्ताना, कलियों से हंसी फूलों से जमा, महबूब मेरा मस्ताना, महबूब मेरा मस्ताना, महबूब मेरा मस्ताना। अरे उठिए ना, अब तो जरा हाइकिंग का मजा आने लगा था और आप सुस्त होके बैठ गई। ओह माय गॉड, मेरा दम फूला हुआ और तुम मजाक कर रहे हो। बातें तो ऐसे करती थी जैसे हाइकिंग की वर्ल्ड चैंपियन आप ही हो। नासिर जी, नासिर ले। हाँ जी। तूफान आ रहा है। आने दीजिए, आपके सामने तूफान क्या करे। चलो तो आग के पास आ जाऊं, बड़ी सर्दी लग रही है। आ जाओ। अरे खुदा का लाख लाख शुक्र है नासिर। क्या देख रहे हो? आपको कमर में बड़ी अच्छी लगती है। क्या मतलब? मतलब ये कि न जाने क्यों लड़कियां कंबल में बहुत अच्छी लगती। देखो नासिर, अगर तूफान की वजह से हम इस जगह फंस गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि। जी जी, मैं जानता हूँ आपकी हमारी कोई भी तकल्लुफ नहीं। जी हाँ, ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। जी बेहतर। मार डाला इस तकल्लुफ ने। क्या जगह है, क्या रात है, क्या मौसम है, ऐसे में आप इस तकल्लुफ को थोड़ी देर के लिए छुट्टी नहीं दे सकते। फिर टूटे के बरसे पानी, जुल्फ मत खोल के फिर टूटे के बरसे पानी, हम तरसते रहे इन होठों को छूले पानी है, जुल्फ मत खोल के फिर टूटे के बरसे पानी। शोक बादल भी मेरे प्यार का दुश्मन निकला, शोक बादल भी मेरे प्यार का दुश्मन निकला, आप जो पास मेरे आए ये जल कर बरसा है, किस तरह देख के रुख सार से खेले पानी, हम तरसते रहे इन होठों को छूले पानी, जुल्फ मत खोल के फिर टूट के बरसे पानी। शर्म की चादर ही उताराई है, आज रुत शर्म की चादर ही
उतार आई है, नर्म कलियों की जवानी पे बाहर आ गए हैं। आप बाहर तो जरा देखिए आगे पानी, हम तरसते रहे इन होठों को छूने पानी है। जुल्फ मत खोल के फिर टूट के बरसे पानी। गर खफा यूं ही रहे आप तो मर जाएंगे, गर खफा यूं ही रहे आप तो मर जाएंगे। आपके प्यार में हम जैसे गुजर जाएंगे हैं, ये ना हो आज मेरी जान ही ले ले पानी। हम तरसते रहे इन होठों को छूले पानी है, जुल्फ मत खोल के फिर टूट के बरसे पानी। खुद भी चाहता हूं कि यह मजाक खत्म हो जाए, ताकि तुम संजीत की सिर्फ ना तो सुन सको कि मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत। मैं तुम्हारे सिवा किसी को अपनी जिंदगी का साथी नहीं बना सकता रोजी। प्यार का ये बंधन, ये साथ सिर्फ इस सूरत में कायम रह सकता है अगर तुम भी, मेरा मतलब है अगर तुम्हें मुझसे नफरत है, तो मैं इसी वक्त यहां से चला जाता हूं और फिर तुम्हारी दुनिया में लौट कर नहीं आऊंगा। ठीक है रोजी, तुम्हारी खामोशी ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है। जो कुछ हुआ मैं उसे भुलाने की कोशिश करूंगा। मत जाओ ना से, रोजी तुम्हें नहीं जाने देगी। रोजी, इस मोहब्बत भरे अफसाने का अंजाम क्या होगा? हम दोनों शादी करेंगे रोजी, जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे होगा? ये होगा ऐसे कि मैं तुम्हें रावलपिंडी ले चलूंगा, पहले अपने मम्मी डैडी से मिलाऊंगा, फिर तुम मुझे अपने मम्मी डैडी से मिलाना। लेकिन मेरे मम्मी डैडी तो नैरोबी में हैं। तो फिर बर्दिखवा कैसे होगा? कैसे होगा? अरे हाँ, मेरे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त कराची में रहते हैं, मेरा ख्याल है तुम उनसे मिलो। लेकिन लेकिन क्या? मैं रावलपिंडी होटल में ठहरूंगी, हमारे घर नहीं जाऊंगी। वो क्यों? शादी से पहले उस घर में जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। शादी के बाद तो अच्छा लगता है। जी कौन? देखो 411 नंबर कमरा है, तुम जल्दी आना, मैंने आज ही कराची जाना है। अभी हाजिर होता हूँ जनाब, लेकिन अपना हुलिया तो दुरुस्त कर लो, आखिर सुसर आ रहे हैं देखने। अमीर वो दुल्हन ढूंढी है कि आप देखकर पागल हो जाएंगे। दुल्हन ऐसी ही होनी चाहिए जिसे देखकर बेटे की माँ पागल हो जाए। डैडी, हमें यूं महसूस हुआ
तुमने अपनी पसंद की कुछ खाक उड़ाई है जो इन सफेद बालों में गिरकर इन पर वो कालक मल देगी जिसे कुछ लोग बदनामी कहेंगे और कुछ तुम्हारी मॉडर्न तहजीब के सफेद चेहरे पर खूबसूरती का खिताब देंगे। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि दुल्हन के इस इंतखाब पर खुशी मनाए या तुम्हारे बहक जाने पर आंसू बहाए। डैडी, आपके फरसूदा तर्ज जिंदगी ने हमें तालीम दिलाकर वो हकूक छीन लिए जो औलाद और माँ बाप के दरमियान कभी न टूटने वाला रिश्ता होते। ये तंज भरी बातें सुनानी ही थी तो हमें आज के माहौल से कहीं दूर ले जाकर अजंता के गारों में पाला होता ताकि पत्थरों के मुजस्मे देख देख कर हम भी अपने आप को इंसान नहीं पत्थर समझते। तेज और तुंद और मुखालिफ हवाओं का सामना करते हुए मुस्कुराहट सिर्फ पत्थरों के चेहरों पर कायम रह सकती। इंसान का चेहरा तो उसके दिल की तर्जुमानी करता है। अगर आपने बाप होकर औलाद का दिल खरीद ही लिया है तो मुझे इस दिल की कीमत खरीद तो बता दीजिए, मैं अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगा। लेकिन मैं अपनी आंखों को अंधा कर लूंगा ताकि बाप का गैर मुनसिफ चेहरा ना देखो। नासिर, नासिर ने आपकी बात सुनी और आपके हर एतराज का सामना भी किया है। काश जिंदगी किताबों में लिखा हुआ कोई सबक होती जिसे बच्चे सर झुकाकर याद कर लेते। लेकिन जिंदगी तो बहुत तवील सफर है जिसमें आंसू भी हैं और कहकहे भी। हंसते हुए तो इंसान गैरों और अजनबियों के साथ भी वक्त गुजार सकता है लेकिन रोते हुए सिर्फ वो लोग याद आते हैं जिनका ताल्लुक दिल की पसंद और मिजाज से होता है। आप जिस दुल्हन को हुक्म बनाकर मेरे दिल से बांध रहे हैं वो मेरी आंसू भरी आंखों का साथ नहीं दे सकेगी। डैडी, बताइए आप अब भी अपने इंतखाब की मंजूरी का हुक्म देंगे या मेरे साथ चलकर उस लड़की को देखेंगे जिससे मैं वादा करके आया हूं कि मैं अपने मम्मी और डैडी को लेकर आता हूं। अगर तुम्हारे दुख का इलाज जहर ही है तो एक बाप का दिल तुम्हें ये जहर का जाम देते हुए तड़पेगा जरूर। कौन जाने ये जहर तुम्हें जिंदगी बख्श दे या तुमसे जिंदगी छीन ले। हम अपने हाथों से तुम्हें ये जहर का प्याला नहीं देंगे। ये इलाज हम नहीं तुम्हारी अम्मी कर सकती है। अंकल। शाहिदा? नहीं, आपका फैसला गलत है। मुझसे हमदर्दी के लिए आप एक जालिम बाप बनना चाहते हैं। शाहिदा बेटी, ये तुम कह रही हो? नासिर ने किसी को जिंदगी का साथी चुना है, उसे आपकी दुआओं और आपकी शफकत की जरूरत है और आप है कि उसे रोट कर चले आए। जाइए अंकल, उस लड़की से मिलिए। अगर आपको पसंद ना भी हो तो उसकी तारीफ कीजिए, उसे दुआएं दीजिए, वरना आपका बेटा आपसे छिन जाएगा। और वैसे भी ये खुशियों की बात है, उसकी खुशी की खातिर अगर आप अपने दुख छुपा नहीं सकते तो फिर आप में और आपके बेटे में फर्क क्या रह जाएगा। दोस्त बनकर नहीं, बाप बनकर सोचिए। अगर आप ना गए तो नासिर का दिल टूट जाएगा। शाहिदा, जाने तुमने इतनी बर्दाश्त कैसे है। हम तुम्हारी बातों का मान रखते हुए उस लड़की से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे बेटी। इस तरह ये रहा 411। यस प्लीज, किससे मिलना है? जी रोजी से। रोजी? यहाँ कोई रोजी वोजी नहीं है। ये 411 है? हाँ हाँ, 411 यही है। तो फिर रोजी यही ठहरी है जी। बरखुरदारी 411 है, कहीं तुम्हें 420 की तलाश तो नहीं? क्या गजब करते हैं जी, मैं खुद तो छोड़ कर गया हूँ उसे। तुम छोड़ कर गए हो? नाहिद बेटी। जी डैडी। जरा इंसाफ को तो देखो। रोजी। रोजी, आप कौन है मिस्टर? मैं नासिर हूँ रोजी। कौन नासिर? मैं आपको नहीं जानती। नहीं जानती? क्या गजब कर रही हो रोजी, मैं तो अपने डैडी को तुमसे मिलवाने लाया हूँ। हमने जो शादी का फैसला, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। छोड़िए, जाने दीजिए डैडी, हमारे जहाज का वक्त हो रहा है। मॉडर्न बेटे के आपने बहुत हिम्मत करवाई है,
सारे शहर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। बेटे से हमदर्दी करने की बजाय उल्टा से डांट रहे हैं आप। मैं इसे कब डांट रहा हूँ बेगम, अपनी तकदीर को कोस रहा, आज के फैशन ज्यादा माहौल पर मातम कर रहा। बेगम हमारे जमाने में ये बातें कब थी? आपके जमाने खत्म हो गए अब। अब तो लोग बेटियां तक से उनकी पसंद पूछ लेते हैं। हमारा तो फिर भी बेटा है। हाँ बेटा है जो एक न एक दिन इस घर को बर्बाद करके रहेगा। ना तो बेटे, आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? उस लड़के ने तुम्हें पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? इस इनकार के पसपंजर में कोई बहुत बड़ी बात है अम्मी, कोई बहुत बड़ा खौफ या मजबूरी है जिसकी वजह से वो बिल्कुल अच्छे भी बन गए। मैं वो मजबूरी मालूम करके रहूंगा। तुम जा रहे हो? सब कुछ तो जानती हो, और क्या पूछना चाहती हो? मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि उस हादसे के बाद, तुम्हारी मोहब्बत बदल जाने के बाद आंटी बीमार पड़ गई हैं। अंकल इसी शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलते हैं और तुम सब कुछ छोड़ के जा रहे हो। हादसा उनकी जिंदगी में नहीं मेरी जिंदगी में हुआ है। दिल टूटा है तो मेरा, दुख पहुंचा है तो मुझे। तुम मेरा रास्ता रोकने वाली कौन होती हो? मैं तुम्हारा रास्ता रोक भी कैसे सकती हूँ? तुम जिस मोहब्बत की तलाश में गए थे उसके खो जाने पे दुख मुझे भी हुआ है। काश ऐसा ना होता, लेकिन अब तुम उससे जाकर पूछोगे क्या कि वो क्यों बदल गई? यही पूछो। और तुम आंखों में छूटे आंसू लिए बद्दुआएं मांगती रहो कि मुझे मेरी मोहब्बत ना मिले, लेकिन याद रखो शायद ऐसा हुआ तो मैं इस घर में जिंदा नहीं लौटूंगा। नासिर, तुमने मुझे गलत समझा। मैं तो हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए दुआ करती रहूंगी।
सुबह का तारा है ना अपने कोई मंदिर ना अपने कोई मंदिर ना कोई सहारा है तकदीर हमारी भी एक सुबह का तारा है एक सुबह का तारा सुबह का तारा है एक सुबह का तारा है एक सुबह का तारा। लड़कियों को रिजेक्ट करने वाले साहब दादे को ऐसा सबक दिया है कि वो जिंदगी भर लड़की देखने का नाम नहीं लेंगी। अच्छा बाबा बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है आपने। बस मेरी बात आराम से सुनो सीमा। ओह भाई मैं तो अच्छे खासे आराम में तकलीफ में तो तू मुब्तिला है। जनाब वो काम दिखाया है जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। एन उस दिन जिस दिन डैडी को विलाय से रावलपिंडी पहुंचना था मैं उसे रावलपिंडी ले आई और होटल में कमरा लिया। फिर अच्छा फिर तो तुम्हारे डैडी बहुत खुश हुए होंगे कि उनकी बेटी लड़कों के साथ होटलों में फिरती है ना। अरे नहीं पगली मैं तो उनके आने से कुछ देर पहले पहुंची। उसके बाद वो हीरो अपने बाप के साथ आया मैंने खींच के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। भाई ये तो तूने कमाल ही कर दिया। आज तक ऐसी छोटी मोटी आवारगी पर मार लड़कियों को पड़ा करती थी मगर तू तो इतनी शरीफ निकली कि उल्टा उसे ही टिका दिया। बाबा बहुत अच्छी लड़की है तू कोई शक नहीं। हाँ हाँ तुम्हें क्या होता है। भाई मुझे क्या होगा होगा तो इंशाल्लाह तेरे साथ। वैसे लिख लो मेरी बात मर्द की जात मार खाकर पीछे नहीं हटती वो तो आएगा तेरे पीछे और अगर तू मिल गई उसे अकेली दुकेली तो वो तो कर देगा तेरा हशर। ऐसी फेटी लगाएगा और बाबा तुझे तो लगनी भी चाहिए ठीक है ना। वो ऐसी थी तो नहीं यकीनन किसी मजबूरी किसी जुल्म किसी दबाव की वजह से उसने मेरे साथ ऐसा किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो रोजी से नाही कैसे बन गई। यार बार बार लड़कियों के दो दो नाम होते हैं तीन तीन नाम होते हैं चार चार बात। अच्छा ये तो हो सकता है कि वो नाही भी हो और तुम्हें पहचानने में धोखा हुआ। ये कैसे मुमकिन है रियाज हम इतने दिन एक साथ रहे घूमे फिरे मैंने उसे देखा है उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता। रियाज तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मैं बिल्कुल नहीं जानता वो कहाँ रहती है और उससे मिले बगैर ये गलतफहमी दूर भी नहीं हो सकती। मेरी तो वो बाजी लगती है ना कि मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है और मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। मेरे पास उसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं और फिर हम एक साथ जाएंगे उसे ढूंढने। ठीक मिस्टर डिटेक्टिव सर सिमल जी होम्स शागिर्द ऑफ द शर्लक होम्स द चैंपियन डिटेक्टिव ओवर द वर्ल्ड। हेलो कम इन कम इन कम इन। तुम माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। ये तुम पेशे बदलने के साथ साथ नाम भी बदलते रहते थे कभी कपड़े भी बदल लिया करो। जी शरप शरप तशी बकी बैठी बैठी दरअसल मैं आपको पहचान नहीं सका मेरे पास ये समझ नहीं आती कि आपका केस कब क्यों किस वक्त और कैसे आया था। दरअसल इतने केसेस होते हैं कि जिनकी तफ्तीश के लिए जिनकी आज तक कोई भी मुकदमा हल नहीं हो सका नामुकम्मिल होने की वजह से सब फाइल हो गए। ये कौन है। भाई ये है मिसेस रॉबर्ट्स और इनका पेशा माफ कीजिए आजकल क्या पेशा है आपका। मेरा पेशा आजकल उन कैदियों की बीवियों को तसल्ली में खतूत लिखना है जो मेरे शोहर के मुअत्तल होने की वजह से कैद हो जाते हैं। चटप चटप मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भिजवा दूंगा। चटप आप गोरपुन के बच्चे हैं ये आजकल तुमने क्या फ्रॉड शुरू कर रखा है। फ्रॉड नहीं मिस्टर नासिर हम जिंदगी में पहली बार सीरियस हुए। क्या है जब सीरियस हो ही गया ये बिजू तो कोई बात नहीं। इसे देखिए ये तो किसी लड़की की तस्वीर मालूम होती। यकीन है इस शीशे से कुछ नहीं होगा भाई ये वही लड़की है जो मेरे साथ सफर कर रही थी। अच्छा वही लड़की। ओह अच्छा वही लड़की। अच्छा 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 वही लड़की जो वहाँ यहाँ वो वही बिल्कुल इसी जगह यकीनन। खुदा के लिए अपनी केमिस्ट्री का कोई सबूत न दीजिए और इस लड़की का कोई अता पता मालूम कीजिए। ओह यस डेफिनेटली मिल जाएगी यकीनन मिल जाएगी और फिर बिछड़ जाएगी गदेले। आवाज़ भी प्लीज प्लीज दे दो यार 200 रुपया लौंडिया अच्छी है जी मेरा मतलब काबिल एतबार ये लीजिए
लेकिन कान खोल कर सुन लो बस कंडक्टर, अगर लड़की ना मिली तो 200 के 2000 लूंगा। खुदा हाफिज। हमने तो कभी उधार लेके वापस नहीं किया और ये फीस वापस मांग रहा है वेल मछली का लड़का। सुनो विच पीकू, मिल गई। कहाँ है वो? ऊपर गुड्डी लूट रही है, वो देख। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। तेरी आंखों में तो कुकरे हैं। पर चलन साहब, गैर औरतों का जिस्म ताकता है, तुझे शर्म नहीं आती? मक्कार बीवी, ये बिजनेस का मामला है, मुठ रख। ये सुनिए साहब, देखिए लड़की कसम नहीं है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये मेरी बीवी है, ये इसने शराफत है। आवारा छिपकली। हक के बैठ गई हो कमबख्त, जिंदगी में पहली बार कारोबार मिला है, वो भी तेरी अदाओं की नजर हो जाएगा। मुझसे अब और नहीं चला जाता फ्रॉड रॉबर्ट डार्लिंग। एडवांस के 200 रुपए मुफ्त में हड़प करना चाहती हो रॉबर्ट की बच्ची? मैं तुम्हारी बच्ची नहीं, बीवी हूँ। अगर तुम 2 मिनट के अंदर ना उठी तो फिर तुम मेरी बीवी नहीं रहोगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, यानी के डाइवोर्स। मक्कार औरत, मिल गई, वो देखो मिस रोजी डांसर, हमारी तकदीर का चमकता हुआ सितारा। मिस रोजी वंडरफुल डार्लिंग। डोंट डू दैट प्लीज, देखे ये बहुत फजूल खर्च हो रहा था, इसे ना दीजिए, बकाया फीस मुझे दीजिए। प्लीज अपने दोस्त से कहे मेरे शोहर को रकम ना दे, ये अयाश आदमी है, जाया कर देगा। और तुझे दो है मेरे हाथ में जाया हो जाएगा, की मुखार बनाया तुझे। शट अप शट अप शट अप, हम मियां बीवी सिर्फ आपस में मखौल करते हैं, हमने किसी कभी गधे को मखौल नहीं किया। हमारी फीस निकालो और अपनी भरजाई को तलाश करो। कितनी फीस है आपकी? 800। और पता? मिस नासर, तुम्हारी रोजी एक पेशावर डांसर। जी पेशावर? जी, अगर एतबार नहीं है तो क्लब 707 में जाके देख लीजिए कि वो जबरदस्त ठुमका लगाने की कैसी तैयारी कर रही है। एतबार नहीं आ मैंने इसका पता बताया तो जरा सोच 150 रुपए वाली क्या चीज होगी। शुक्र है तुमने कुछ मेरा ख्याल किया है, नाहिद के फैशनी प्रोग्रामों से फुर्सत मिल गई तुमको। सीमा, बस वो सलाह मशवरे करते रहे। बहुत नेक मशवरे करते हो तुम दोनों। मैं कहती हूँ जो तुम्हारी कजन ने बकवास शुरू कर रखी है, इसका नतीजा क्या निकला? क्यों नहीं निकला? नाहिद का ख्याल है कि नासिर उसे तलाश करने के लिए शहर में जरूर आएगा। जी हाँ जरूर आएगा, लेकिन लिख लो मेरी बात, पुलिस लेकर आएगा। हाँ सीमा, दरअसल नासिर ने औरतजात की बहुत तौहीन की है। लेकिन बदला लेने का ये कौन सा तरीका है? मेरा मतलब है ओ, सीमा तुम तो हर बात को उलझा देती हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हें चंद दिनों के लिए कम मिलूंगा। पहले भी तो कुछ ज्यादा नहीं मिलते। मेरा मतलब ये था सीमा कि तुम मुझे बताओ, मुझे दौलत इतनी अकलमंद चीज क्यों है कि जो मोहब्बत में कर्ज और मतलब को गुनाह नहीं सवाब बना देती है। सिर्फ इतनी बात सुन लो कि मैं चंद दिनों के लिए सुबह शाम नाहिद के साथ रहूंगा, ताकि नासिर आ जाए तो वो ये समझ ले कि नाहिद उससे नहीं तुमसे मोहब्बत करती है। ये भी कर देखो अमजद, शायद इस तरह नाहिद का इंतकाम पूरा हो जाए। लेकिन अमजद, इंतकाम के इस खेल में किसी का दिल तुम्हारी याद में जलता रहेगा। जाना है तो चले जाओ अमजद, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि तुम्हें वापस भी आना है। Thank you.
ऑटोप्सी। रियाज जल्दी चल। मुझे पहचानो रोजी, खुदा के लिए ऐसा न करो। रोजी के मामू पहले मुझसे बात करो। रोजी अमजद, इसने मुझे लाहौर में बहुत परेशान किया था, अब मैं इसे परेशान किया। मुझे बूटा संतरा था, जा भाई खुदा दे वास्ते जा, इसको घर में बंद रखा करो। हमारा घर तो नहीं है, तुम्हारा घर आ जाए। यार तुम तो इस लड़की के चक्कर में एक दो आदमी कत्ल कर दोगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या है। वैसे अब तक शरीफ आदमी नहीं चाहिए। सुनो रियाज, वक्त न जाया करो, चलो उसका पीछा करें। गाड़ी तो उनकी यही है, वो भी यहीं कहीं होंगे। Thank you.
सेठ ताहिर अली। सेठ ताहिर अली, अरे ये तो सारा मामला ही समझ में आ गया। ये सेठ ताहिर अली की वही पागल लड़की है अरे जिसे तुम देखने आए थे। नहीं। भाई इससे अच्छा था हम विलायत में रहते, घर में तो तुम दोनों से मुलाकात ही नहीं होती। बस ऐसे ही जरा अमजद के साथ बाहर गई थी। कहाँ कहाँ सैर की? बस यूं ही जरा घूमने फिरने चले गए। अच्छा वो तो होगी। चलो अब तुम जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, मेरे साथ बाजार चलना। किस लिए? अरे भूल गए, तुम्हें याद नहीं है तुम्हें मैंने कहा था कि इस दफा तुम्हारी सालगिरह तुम्हारे डैडी के आने पे मनाऊंगे। मेरी प्यारी मिसेस रॉबर्ट। इस घर को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है, कितनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी बत्तियां जल रही ऊपर। बिल्कुल अपने घर की तरह जिस दिन मैं दुल्हन बनी थी। हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, बापदा वालों ने 600 रुपए बिल भेज दिया। लो 6 घंटे बत्ती जली और 600 रुपए बिजली का बिल। चलो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो लोग अपने करेक्टर को ठीक कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, माफी चाहता हूँ मैंने आपको तकलीफ दी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस घर पे बहुत सी बत्तियां जल रही हैं, यहाँ पर किसी की शादी है, कोई बर्ग है या किसी बच्चे की सुनते हैं? क्या पकते हो? सेठ ताहिर अली की बेटी की सालगिरह। ओह माफी चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। सेठ सालगिरह की ताहिर की बेटी की शादी। दैट्स वंडरफुल मिसेस रॉबर्ट। सालगिरह यानी के बर्थडे। मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई चक्कर माल का होना चाहिए। ओ, सोच लिया, चलो चले। कहाँ चले? बताती हूँ आओ तो सही। चलो यार ये चक्कर क्या है? ये कौन लोग हैं जिन्हें देखकर घबरा गए? खुदा के लिए मिसेस रॉबर्ट, तुम पैसा खाने के बाद आदमी को पहचानती नहीं। ये वही तुम्हारे देवर हैं जिनका 1000 रुपए हमने खा लिया। वो 1000 मोटे को देख के याद आया, ये तो वापस करना पड़ेगा। चलो भाग चले। इमीडिएटली डिसअपीयर। जरा सुनिए चाचा भैया, आज यहाँ क्या है? भाई सेठ ताहिर अली की बेटी की सालगिरह है और कवाली भी है, मैं कवालों को लेने जा रहा हूँ। बात बाहर ना निकले, असल में मुझे ये कवाली वगैरह भी पसंद नहीं है। जाइए आप, बख्श दे मुझे। ओहो, तुम ये क्यों नहीं समझती कि ये सालगिरह नाहिद की है और नाहिद तुम्हारी दोस्त भी है? हुआ करती थी जी, अब तो मुझे उससे खौफ आता है। लिख लो मेरी बात, तुम सब लोग किसी दिन उस मासूम बच्चे को तबाह करने की जुर्म में पकड़े जाओगे। हम रहने दो, पकड़े जाने दो। अरे चाय तो पियो बाबा। दिल तोड़ने वाले जरा आँख मिला ले, हम है दीवाने तेरे प्यार के। दिल तोड़ने वाले जरा आँख मिला ले, हम है दीवाने तेरे प्यार के। दीवाने तेरे प्यार के, दीवाने तेरे प्यार के। दीवाने तेरे प्यार के, मस्ताने तेरे प्यार के। दिल तोड़ने वाले जरा आँख मिला ले, हम हैं दीवाने तेरे प्यार के। दीवाने तेरे प्यार के, दीवाने तेरे प्यार के। प्यार शबनम है, प्यार शोला है, प्यार है साज प्यार नगमा है। प्यार है साज प्यार नगमा है, प्यार है साज प्यार नगमा है। प्यार दिल, प्यार दिल की धड़कन है, प्यार जलवा है, प्यार दिल मन है। प्यार जलवा है, प्यार दिल मन है, प्यार जलवा है, प्यार दिल मन है। प्यार है तूर, प्यार मूसा है, ओ, 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 ओ। प्यार है तूर, प्यार मूसा है, ये हरम और ये कलीसा है। ये हरम और ये कलीसा है, ये हरम और ये कलीसा है। प्यार से बढ़ के कोई चीज नहीं, प्यार तुझको
तुझको मगर अजीज नहीं, प्यार तुझको मगर अजीज नहीं। दिल तोड़ने वाले जरा आँख मिला ले, हम हैं दीवाने तेरे प्यार के, दीवाने तेरे प्यार के, दीवाने तेरे प्यार के, दीवाने तेरे प्यार के, मस्ताने तेरे प्यार के। दिल तोड़ने वाले जरा आँख मिला ले, हम हैं दीवाने तेरे प्यार के, दीवाने तेरे प्यार के, दीवाने तेरे प्यार के। लोग कहते हैं तेरा अफसाना, दुनिया कहती है तुझको दीवाना। कोई कहता है तुझको होश नहीं, जिंदगानी का तुझमें जोश नहीं, जिंदगानी का तुझमें जोश नहीं, जिंदगानी का तुझमें जोश नहीं। हम मगर तुझसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, करते हैं, करते हैं। अगर तुझसे प्यार करते हैं, जान तुझ पे निसार करते हैं, जान तुझ पर निसार करते हैं, जान तुझ पर निसार करते हैं। गौर से देख तेरे दीवाने, लेके आए हैं जाके नजराने, लेके आए हैं जाके नजराने। दिल तोड़ने वाले जरा आँख मिला ले, हम हैं दीवाने तेरे प्यार के, दीवाने तेरे प्यार के, दीवाने तेरे प्यार के। पर्दा तो हटा देख जरा, विनती करत है तिहारी, देख न टूटे आस हमारी, आए हैं दर पे तिहारे। दीवाने तेरे प्यार के, दीवाने तेरे प्यार के, दीवाने तेरे प्यार के, मस्ताने तेरे प्यार के। दिल तोड़ने वाले आँख मिला ले, हम हैं दीवाने तेरे प्यार के, दीवाने तेरे प्यार के, दीवाने तेरे प्यार के, दीवाने। पार्टी बहुत शानदार। थैंक यू। अच्छा तुम्हें मेरी तलाश, वो क्यों? अपनी तकदीर, अपनी मोहब्बत, अपनी जिंदगी की तलाश थी मुझे। तो मुझे इतना पूछने का हक तो है, क्या बात है, कौन सी मजबूरी है जिसने तुम्हें मुझसे अनजान बना दिया? लेकिन मैं तुम्हें जानती कब थी? याद करो, कराची से खैबर तक का वो हसीन सफर, वो प्यार की बातें, वो जिंदगी भर साथ रहने के तो पैमान, तुम्हें याद है ना? तुम्हें याद आ गया? हाँ याद आया कि मुझे तुमसे नफरत है। तुम वही शख्स हो ना जिसने दर्जनों लड़कियां सिर्फ इसलिए रिजेक्ट की कि तुम्हें उनके साथ घूमने फिरने और परखने की इजाजत नहीं मिली। शायद तुम ये भूल गए कि हमारे मुल्क में लड़की का सबसे बड़ा जेवर उसकी शर्म, हया और पर्दा होता है। तुमने ये बात भी नहीं सोची कि शादी के मामले में तुम्हारे वालिदैन तुमसे कहीं बेहतर फैसला कर सकते हैं। ये सब तो मिलने से पहले की बातें हैं। जा। मैं भूल जाती हूँ, लेकिन ये याद रखो कि मुझे तुमसे और तुम्हारे ख्यालात से नफरत है। और ये भी याद रखो कि मशरक की लड़की खामोशी से अपने वालिदैन के कहने पर सर झुका सकती है तो अपनी तौहीन का बदला भी ले सकती है। आई डोंट लाइक यू, चले जाओ यहाँ से। हेलो हेलो अफशा, बोलने को छोड़ो, यूसुफ को लेकर फौरन मेरे यहाँ आ जाओ। खैरियत तो है ना? मामला बहुत खराब है। मामला बहुत खराब है? अच्छा मैं आ रही हूँ।
बात हुई क्या? बात खत्म हो गई रहा था। मैं आज तक जिसे अपनी पसंद का नाम देता रहा वो तो औरतों की तौहीन निकली। मैंने जिंदगी में कई लड़कियों की इंसल्ट की है, आज एक लड़की ने इंतकाम ले लिया। इसका मतलब है कि वो सब मोहब्बत नहीं थी, इंतकाम से भरपूर एक खेल था। तो वो नाहिद और रोजी? रोजी रोजी एक तसव्वुर थी और नाहिद एक हकीकत है जो मुझसे नफरत करती है। मैं अब एक पल भी शहर में नहीं रहना चाहता रियाज। चंदा मेरी मानो और सीधे घर चले जाओ और घर का रिश्ता। रियाज ये वक्त जख्मों पर नमक छिड़कने का नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, दुश्मनों जैसी बात न करो। मैं पैकिंग करता हूं, तुम जाओ मेरी सीट का बंदोबस्त करो। क्यों क्या हुआ खैरियत तो है? सब हो गया अफशान, कॉमेडी प्ले ट्रेजेडी प्ले बन गया। कहीं अब नासिर पागल तो नहीं हो गया? नहीं यूसुफ, सारी स्कीम ठीक होती आई है, लेकिन एंड पे मैंने तुमने खराब कर दिया। मैंने तो सब कुछ वही किया था जो सोचा था, पहले मोहब्बत का इजहार किया फिर नफरत का, लेकिन नफरत का इजहार सुनकर वो वापस चला गया। इसका मतलब ये है कि तुमने वक्त से पहले ही नफरत का इजहार कर दिया। क्या मतलब? अभी उसे तुझसे पूरी तरह मोहब्बत नहीं हुई थी, वरना वो कभी वापस ना जाता। और गया है तो इस तरह कि शायद अब वापस ना आए। लेकिन उसके जाने के बाद यूं लगता है जैसे सारा शहर वीरान हो गया है। तो इसका मतलब है हुजूर को उससे मोहब्बत हो गई है, उस साहबजादे से, और हमारे लिए इन्होंने मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। प्लीज अब्जद, दिल जलाने के बजाय मेरी हेल्प करो ना। देखो मैं किस कदर सीरियसली परेशान हूँ। यूसुफ, इस परेशानी का कोई इलाज है? इलाज? इलाज बस यही है कि उसके दोस्त के पास चलते हैं। रियाज के पास? हाँ ये ठीक है, चलो फौरन। अमजद प्लीज चलो ना। अरे भाई बहुत अच्छा गाना आ रहा है। भाई हम सब लोग परेशान हैं, सब कुछ सुनने के बाद कम से कम किसी बात का जवाब तो दे दीजिए। आपकी हर बात का जवाब ये है कि चिड़ा उड़ गया है। क्या मतलब? मतलब ये है कि रिजेक्टेड मंगेतर तूफान मेल पे बैठ के अपने घर चला गया ना उम्मीदों का। ओहो, तो उसे किसी न किसी तरीके से ये तो बताया जा सकता है कि नाहिद उससे नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत करती। जी बेटे, एक जरूरी ऐलान सुनिए। कराची से पेशावर जाने वाली तूफान मेल कराची से 70 मील दूर एक मालगाड़ी से टकरा गई है। तूफान मेल की 8 बोगियां बुरी तरह तबाह हो गई है। रात के अंधेरे की वजह से नुकसान का सही अंदाजा नहीं हो सका। ऐलान खत्म हुआ। इस शक्ल का ना कोई शख्स हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है और ना ही डेड बॉडीज में मिल सका है। नहीं डॉक्टर, बाद लाशें इतनी बुरी तरह घुसी गई हैं कि उनकी पहचान भी नहीं। रियाज अब क्या होगा? होना क्या है? आपके लिए तो ये एक अदा था, कहानी था, अफसाना था, जिसने मेरे दोस्त की जान दे दी। मेरा दोस्त मर गया, मेरा नासिर मर गया। जी चाहता है इस शहर को आग लगा दो, जहां आप जैसी फैशन जगह लड़कियां लड़कों को अपनी मोहब्बत का फ्रेब देकर उनकी मौत का सबब बन जाती है। जाने सुबह से तबीयत कुछ बेचैन सी क्यों है बेगम, मालूम होता है सोचते सोचते ज़हन शल हो जाएगा। आज मौसम भी कुछ उदास सा ही रहा है। एक तो ये लड़का जाकर अपने आने की इत्तला ही नहीं देता। रमजाने जी सरकार, शायदा बीबी को बुलाओ। बहुत अच्छा सरकार। घर में तो दम घुटने लगा है, कहीं बाहर चले बेगम? हेलो। हेलो अंकल, मैं रियाज बोल रहा हूँ। हाँ रियाज बेटे, कैसे हो तुम? नासिर कैसा है? जी अरे भाई, उसने वहाँ पहुँचकर अपनी खैरियत की इत्तला ही नहीं दी, कब वापस आएगा? जी अंकल वो, अरे भाई कहाँ है वो, कुछ बताओ ना। क्या बताऊँ अंकल, नासिर हमसे बहुत दूर चला गया है। दूर चला गया है? जी हाँ, इतनी दूर जहाँ से कोई वापस नहीं आता। नासिर? जी हाँ अंकल, जिस गाड़ी से नासिर सफर कर रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस
गाड़ी से सफर कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, मेरा बेटा मर गया। तुमने कुछ सुना बेगम? नासिर मर गया है। तुमने उसे लड़की देखने भेजा था ना, लेकिन वो मर गया है। मेरा बेटा मर गया है। तुमने उसे मार दिया है बेगम, तुमने उसे मारा है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शारदा, शारदा, नासिर मर गया है। शारदा, मेरा बेटा मर गया है। शारदा। आ बेटे, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, हमारे बार बार बुलाने पर भी तुम नहीं आई। और अमजद, तुम कहाँ थे सुबह से? जी वो ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों झलक रहे हैं? वो दरअसल आंटी नाहिद की एक सहेली बीमार थी, हम उसे देखने चले गए थे। बेचारी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। नहीं नहीं, अल्लाह उसे सेहत अता फरमाए। और जो बात हम तुम्हें बताने वाले हैं वो भी बहुत अहम है, और तुम दोनों का उस बात के लिए सुनना बहुत जरूरी है। जी, हम दोनों को। जी जी, वैसे तो हमें अख्तियार है कि तुमसे पूछे बगैर तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर दें, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों एक दूसरे की तबीयत को अच्छी तरह समझ लो। हम तुम्हें ये बता देना चाहते हैं कि अनकरीब तुम दोनों की शादी कर दी जाए। क्यों? कुछ नहीं। ओ, ये मुसीबत रोने से हल नहीं होगी ना ही। मैं बर्बाद हो गई हूँ अमजद। तुम मुझे बर्बाद होने से बचा लो, ये जबरदस्ती की शादी मेरी बर्बादी है नाहिद। तुम डैडी से बिल्कुल इनकार कर दो ना। मैं असल की नजरों में क्यों बुरा बनूं? तुम खुद ही इनकार कर दो ना। मैं तो पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत सी मुसीबतें बर्दाश्त कर चुका हूँ, तुम भी तो कुछ बर्दाश्त करो। अमजद, तुम मुझे गुस्से ना समझो, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी तकदीर का फैसला कर सकूं। ये अलग बात है कि तकदीर मुझे फरेब दे गई, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं कल सुबह ही डैडी से मिलकर इस बात का फैसला करूंगी। काश ये सुबह ना आई होती कि नाहिद अपने डैडी के सामने ये इल्तिजा लेकर आती, जिसे मान लेना डैडी के लिए दुख बन जाएगा और ना मानना मेरे बस में नहीं। तुमने हमारी तीवी आजादी का गलत मतलब लिया है नाहिद। बेटों की तरह पाल कर आप नाहिद को उस हक से महरूम कर देना चाहते हैं कि वो आपसे अपना हक मांग सके। बेटी की जिंदगी के लिए इतना अहम फैसला करने से पहले आप एक बार फैसला को नजरों से नहीं, शफकत भरी नजरों से नाहिद के चेहरे की तरफ देख लेते तो शायद आप कभी ये फैसला न करते डैडी। बेटियां जब जवान हो जाएं तो बाप गौर से उनके चेहरों की तरफ नहीं देखा करते, और चुपचाप अकेले बैठकर बेटियों की तकदीर का फैसला भी नहीं सुनाया करते। नाहिद, कसूर तुम्हारा नहीं आज की इस मॉडर्न तहजीब का है, इस माहौल का है, जिसने तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की को बेअदब और गुस्ताख बना दिया। काश मैंने इस माहौल में आंख ना खोली होती, काश इस मॉडर्न तहजीब को आपने अपने घर में आने की इजाजत ना दी होती। अगर ये सब कुछ आपकी लाइल्मी की वजह से हो गया है डैडी, तो फिर कसूरवार कौन है? मुजरिम किसे गर्दाना चाहे, सजा किसे दी जाए? अगर आप इस फूल की सजा ना ही थी को देना चाहते हैं, तो फिर आज के बाद मैं अपने डैडी से अपना हक नहीं मांगूंगी। जुर्म और सजा के इस तकरार में तुमने जिस बात को हमारी भूल कहा है वही तुम्हारा भला है। हमने जो भी फैसला किया है तुम्हें वो फैसला मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि बाप की अदालत में बेटी के लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं? नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। क्या हुआ नाहिद? इनकार भी कराई हूँ और अपने से लत भी सुनाई हूँ। बहरहाल तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे रास्ते के तमाम कांटे मैंने अपने दामन में भर लिए हैं। मगर ये रोना धोना, ये रोना धोना तो मेरा मुकद्दर बन चुका है अमजद। खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ना रो मेरी जान, तू क्यों परेशान होती है? अम्मी जान, मेरे जीते जी तुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। तेरी शादी वहीं होगी जहाँ तू चाहती है, वहाँ भी तो नहीं हो सकती अम्मी, इसलिए कि वो मर गया है। दम तोड़ती हुई लाश की तरफ देखिए डॉक्टर साहब, जिसने नासिर की मौत को अपनी जिंदगी का रोग बना लिया है। मेरे अपने घर का चिराग नई तहजीब और फैशन के तकाजों ने बुझा दिया। अब ये लड़की जो इस घर का नूर और मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा है, शायद मौत के आ जाने का इंतजार कर रही है।
खाना नहीं खाती, दवा नहीं पीती, किसी से बात नहीं करती, क्यों चुप है जैसे इसे सकता हो गया हो। डॉक्टर साहब, आप अपने आप से दुश्मनी कर रही हैं शायद। दवा पीजिए अगर। दवा अगर तो उसका इलाज होती तो ना कोई इस दुनिया में दर्द से कर रहा था, ना किसी की आंखों से आंसू बहते। मैं अगर दवा पी भी लूं तो आप इस खत्म होते हुए जिंदगी को सहारा नहीं दे सकते डॉक्टर। मरने वाले कभी वापस नहीं आया करते शायद। लेकिन उस रास्ते का निशान तो बता दिया करते हैं ना, जहां दुख अपनी मौत आप मर जाते हैं। इसे समझाइए डॉक्टर, इसकी ऐसी ही बातों ने इस घर पर एक वहशत तारी कर दी है। तेरी बैठ शायद, मुझे आइंदा तुम्हारी शिकायत न मिली। तुम दवा बाकायदगी से पियो और अपने अंकल को परेशान नहीं करो। चलिए भैया साहब, फिर हम साथ को देखें। जब तक जीते रहे तुम्हें मुझसे शिकायत रही, मेरी आंखों में उस वक्त भी आंसू थे। मर के साथ छोड़ दिया तो दुनिया वालों को शिकायत है, मेरी आंखों में आज भी आंसू है। कुछ सुना तुमने, ये दुनिया वाले ना हंसने देते हैं ना जी भर के रोने। मुझसे कहते हैं तुम मर गए हो और मैं जिंदा रहने के लिए दवा पी लिया करूं, लेकिन तुम्हें पाने के लिए मैं चाहती हूँ जल्द मर जाऊं, ताकि इस दुनिया में ना मिलने वाला ना से दूसरी दुनिया में तो पा सकूं। ये मौत कब आएगी नासिर, ये मौत कब आएगी? दोस्त की मौत की वजह से कुछ इतना परेशान हो गया हूँ कि अब इस मुल्क में दिल नहीं लगता। देखिए मैं भी कितना बदनसीब हूँ, बीवी समेत लंदन जा रहा हूँ। क्या कहा? कुछ नहीं, इस दौर में कोई खावन बीवी को कुछ कह सकता है? ये लो रकम की तरफ ध्यान रखो, वैसे पूरे हैं, मुझे तो कुछ कम लगते हैं। आप बातों में कम गिन गए होंगे, मैंने तो पूरे 8,000 रुपए दिए हैं। अल्लाह करे 8,000 ही हो। भैया इस मकान का और सामान का ख्याल रख। जब आप पगड़ी ले चुके हैं तो इस सामान से, इस मकान से आपका क्या वास्ता? ओ जी पगड़ी के तो इसने दुपट्टे बनवा लिए, मेरे पास तो सिर्फ टोपी रह गई। बेगम 25 मिनट रह गए जहाज, चलिए खुदा हाफिज। डैडी, आदाब डैडी। नासिर बेटे, तू जिंदा है? बिल्कुल जिंदा हूँ डैडी, मुझे सीने से लगा कर देखिए। अम्मी कैसी? अम्मी से भी मिल लेना, पहले मेरे सीने में ठंडक डाल दे, एक बार फिर मेरे सीने से। मेरा बेटा आ गया। तुम्हें क्या हुआ? नासिर बेटे। अम्मी जान। मेरे बच्चे, मार सबके, मार वाली, तो जिंदा है मेरे बच्चे? बस मैं बची गया अम्मी, जाने क्यों? तुम्हें जिंदगी मेरी दुआओं ने दी है, सच मानो इन वीरान आंखों से आंसू भी खुश हो गए थे, मेरे इन आंसुओं ने दुआ बन के अश्तक को हिला दिया था। तुम ना आते तो ये घर मर जाता, तुम आ गए हो तो जिंदगी आ गई है। तुमने मेरी दुआओं का बुरा तो नहीं माना, मैंने अपने लिए नहीं वो तुम्हारे लिए मांगी थी, इस घर के लिए मांगी थी। इस घर के मुझ पर बहुत एहसान है और तुम जानो एहसानों का बदला तो चुकाना ही पड़ता है। मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं, एहसानों का बदला चुकाया है। शाहिदा बेटी,
कैसी बातें करती हो तुम? नासिर को जिंदगी देकर अल्लाह मियाँ ने हम पर एहसान किया है और इस एहसान की खुशी में कल शाम ये घर खुशियों का गहवारा बन। तीनों हजरात, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी खुशी को अपनी खुशी समझकर इस महफिल में शिरकत की जहमत फरमाई। एक और खुशी जिसका इस वक्त मैं इजहार करना चाहता हूं वो ये है कि मैं अपने बेटे नासिर की मंगनी अपनी भतीजी
शाहिदा से करता हूं और बहुत जल्द आपको ख्वातीनों हजरात एक और खुशी में शामिल होने की तकलीफ दूंगा जबकि इन दोनों को रिश्ता इज्तवाज में बांध दिया जाएगा। शुक्रिया। कोई कसर नहीं छोड़ी, अंकल अपना फैसला बदलने के लिए तैयार थे। लेकिन लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया अमजद। जैसे भी किया है लेकिन हालात को बुरी तरह से उलझा दिया है। तो अब क्या होगा अमजद? मेरी और तुम्हारी शादी। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। तुम झूठ मूठ की नहीं सचमुच की पागल बन गई हो अमजद। इसलिए कि तुमने मुझ पर और सीमा पर बहुत जुल्म किया है। मुझ पर खुद बड़ा जुल्म हुआ है अमजद। तुम तो इस जुल्म का मुकाबला करने के लिए फिर चलती गाड़ी में पागल बनकर बैठ जाओगी। मैं क्या करूं? करना क्या है, झुक जाओ ना ही फैसलों के सामने। चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम वो कमजोर ईमानदार लगते हो जिसका दिल बुराइयों की तरफ लग जाता है और सजा के खौफ से आंखें बंद कर देता है। लेकिन आंखें बंद करने से मौत और तबाही अपना रास्ता तो नहीं बदल लेती। जो तबाही नाहिद की सूरत में आगे बढ़ी है उसे सीने से लगा लो अमजद। अपनी मोहब्बत का गला घोट कर चुपचाप नाहिद से शादी कर लो। लेकिन इतना याद रखना कि जिस दिन तुम्हारी शादी की शहनाइयां गूंजेंगी उस दिन तुम्हारी जुदाई का दुख सीमा को मौत की गोद में ले जाएगा। ऐसा नहीं हो सीमा, ऐसा नहीं। चले जाओ यहां से, चले जाओ। मर जाने का मकाम है हमारी, औलाद ने हमारी तौहीन की, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं हम तक, लेकिन तुम्हारा शादी से इनकार। ये इनकार भी इस घर के भले के लिए है अंकल। इस घर के मुझ पर बहुत से एहसानात हैं। आपने एक दिन माँ बाप के बच्चे की सिर्फ परवरिश ही नहीं की, उसे जिंदगी के हर रोशन पहलू से आशना भी किया है। इसलिए रोशनी और एहसान के सिला मैं दुख में नहीं चुकाना चाहता अंकल। दुख तो यह हमने जो चाह था वो नहीं हो सकता। बात इख्तियार की होती तो शायद मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करके आपके फैसले की कुर्बानगा की भेंट चढ़ा देता, लेकिन बात इस घर की खुशियों की है और मैं अपने हाथों से इस घर की खुशियों को आग नहीं लगा सकता। इस घर को तो आग तुम्हारे फैसले ने लगाई। नहीं अंकल, आप चाहते हैं तो इल्जाम की काले के चेहरे पर मल दीजिए। मुझ में तो इतनी जरूरत भी नहीं कि आपसे ये कह दूं कि आपका ये फैसला मेरी नहीं नाहिद की खुशियों को आग लगा देगा। और जो आग आपकी औलाद को जला सकती है, अमजद उससे कभी प्यार नहीं कर सकता, कभी प्यार। अमजद, आप चाहे तो इस गुस्ताखी से मुझे घर से निकाल दीजिए, मुझे वो सजा दीजिए जो वालिदैन गुस्ताख बच्चों को दिया करते हैं, और मैं मुस्कुराते हुए सजा को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करूंगा कि मैं हक पे नमक अदा करना चाहता हूँ। मैं आपको दुख नहीं खुशियां देना चाहता हूँ अंकल, और अगर आपका फैसला मेरी ही आंसुओं का कातिल होता तो मैं चुपचाप ये गर्दन झुका देता सर कटाने के लिए, लेकिन आपका फैसला मेरा नहीं नाहिद का दुश्मन है, वो उसकी जान ले लेगा, मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है। ये क्या कहते हमसे और कुछ न कहो, चुप हो जाओ अमजद, चुप हो जाओ, खामोश। क्या सोच रही हो? सोचती हूँ नाहिद और अमजद की इस प्रॉब्लम का क्या बनेगा। नासिर की मौत नाहिद की जान का रोग बन गई है और नाहिद से शादी अमजद के लिए मुसीबत। मुसीबत? ओ जी, मुसीबत तो मैं कुछ उठाए फिर रहा हूँ और कुछ ये साथ लिए फिर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए रियाज भाई, आप किधर से आ निकले? मैं कड़े में से नहीं निकला हूँ, टैक्सी से निकला हूँ। टैक्सी छोटी थी, मैं बड़ा था, फंस गया, चार दिन एयरपोर्ट पे फंसा। क्या मतलब? जी मतलब साफ है, ओह बड़ा दर्दनाक मतलब है। नासर की मौत के गम में मैंने अपना फ्लैट बेच दिया और लंदन जाने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन महकमा सेहत वालों ने मेरी बीवी को लंदन जाने का इजाजत नहीं। मगर रियाज भाई, आपकी बीवी का वजन तो आपसे बहुत कम है। ओ जी वजन की बात नहीं है, महकमा सेहत वाले कहने लगे कि तुम्हारी बीवी को हैजा होने वाला है। मैंने उनको लाख समझाया भाई, हैजा नहीं बच्चा होने वाला है, इसलिए मतली हो रही, नहीं माने। आए हाय गैर लोग हैं, कुछ तो शर्म करो। शर्म करोगी तो कर्जा नहीं मिलेगा। बात दरअसल ये है मिस्टर एंड मिसेस यूसुफ के, मेरा ख्याल है कि आप लोगों से एक दो दफा मुलाकात हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से उधार मांगा जा सकता है। जी मैं कुछ समझा नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि फ्लैट की पगड़ी लेकर मैं लंदन जा रहा था, लेकिन इस कमबख्त ने उस पगड़ी के दो दुपट्टे बना लिए। हाँ
मेरा मतलब है कि रकम खर्च कर ली है। अब फ्लैट वापस लेने के लिए हमें 2000 रुपए की जरूरत है। इफ यू बोथ डोंट माइंड। नहीं देखिए रियाज भाई, 2000 रुपए की तो कोई बात नहीं, वो तो हम आपको दे ही देंगे। नवाजिश नवाजिश, अगर आप दे दें तो मुझे किसी और दर पे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसे आपने फ्लैट दिया है पहले उसे कंफर्म कर ले, क्या है वो फ्लैट वापस देगा भी या नहीं। ओ जी देगा, क्यों नहीं देगा, उसको तो बाप भी देगा। मैं उसको पगड़ी वापस कर रहा हूँ, कुल्ला वापस तो नहीं कर रहा। ओ अच्छा, तो फिर ठीक है, आइए आप टेलीफोन पे बात कर लें। अच्छा आइए, चलिए टेलीफोन। हेलो जी मसूर साहब, सलाम अलैकुम जी, मैं रियाज बोल रहा हूँ जी। कौन रियाज जी? जिसने आपके हाथ फ्लैट बेचा है। अच्छा अच्छा, आप लंदन गए? नहीं जी नहीं, लंदन नहीं जा सका, वापस आ गया हूँ। वो जी बच्चा होने वाला है ना। बच्चा हो या ना हो, आपके मिलने जुलने वालों ने बहुत परेशान करा। कोई मरकर जिंदा हो जाता है और खुद ही अपने जिंदा हो जाने की इतला फोन पर देता है। जिंदा होने की इतला? जी हाँ, आपके दोस्त हैं कोई नासिर साहब, उनकी शादी की टेलीग्राम भी आई है। नासिर की शादी? मैं अभी आके आपसे तार लेता हूँ। वेरी गुड, नासिर जिंदा है। नासिर जिंदा? बहुत अच्छा हो गया। क्या कह रहे हैं अमजद, नासिर जिंदा है? ये तार मुझे रियाज ने दी है नाहिद। ये तार मेरे लिए खुशी और जिंदगी का पैगाम है अमजद। नहीं नहीं, आज उसकी शादी है, अब क्या होगा? खुशियों की दस्तक पर ये दिल इस जोर से धड़का है कि अब दिल चाहता है सांस बंद हो जाए, मौत आ जाए। देखो देखो मैं किस कदर बदकिस्मत हूँ, उसे पाकर खोया और खोकर पाया भी तो इस अंदाज में कि अब शायद जिंदगी भर न पा सकूं। ये सब तकदीर का मजाक है नाहिद, कभी कभी मंजिल पर पहुँच कर भी मंजिल नजर नहीं आती। लेकिन अब मैं तकदीर के सामने नहीं हारूंगी अमजद। मौत ने जिस तैयारी से नासिर को मुझसे छीन कर गैरों का बनाया है, मैं भी उसी मौत को सीने से लगाऊंगी। नाहिद ये क्या कर रही है? मौत की धमकी हमारे एहसास को इतना सस्ता और घटिया नहीं बना सकती। हम किसी से अपनी बेटी की मोहब्बत की भीख मांगने चले जाए? मोहब्बत की नहीं जिंदगी की भीख कहिए अंकल। शीशी में बंद ये मौत जो मैं नाहिद से छीन कर ले आया हूँ, नाहिद जब चाहे जिस वक्त चाहे इसे गले लगा सकती है। एक बार नहीं लाख बार ऐसा कर ले। हम नाहिद की लाश पर आंसू बहाए बगैर उसकी आरजू समेत उसे वक्त के सीने पर खुदी हुई अंधी और खामोश कब्र में दफन कर देंगे। लेकिन इस खुदकुशी की मौत को दुनिया की रोशन आंखें देख भी लेंगी और इस मौत का अफसाना लोगों की जबान पर इस अंदाज में आएगा, आपको अपने किए हुए फैसले पर पछताना पड़ेगा अंकल। अमजद, कोई इसे बेहयाई कहेगा, कोई मोहब्बत में नाकामी और कोई आवारागर्दी का रूप देगा। आपके किए हुए गरजदार फैसले कब्रस्तान पहुंचने तक आपको शहर में जलील और रुस्वा बना देंगे और फिर आप चीख चीख कर उस घर का पता पूछेंगे जहां नाहिद की गुमगस्ता मोहब्बत उसकी मासूमियत उसकी बेगुनाही का सबूत देगी। अंकल, पछतावे के कदमों के निशान पर वापस लौटने की बजाय शहनशाह बनकर नहीं बेटी का बाप बनकर इस बात पर गौर कीजिए कि आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। बस करो अमजद बेटे, अमजद बेटे, तुमने हमारे जहन और एहसास के दो टुकड़े कर दिए। बाप की शफकत हमारी वजादारी को बहा कर ले गई। हम उस लड़के के घर जा तो सकते हैं लेकिन क्या मुंह लेकर क्या सवाल बनकर। मैंने तो बताया है कि उसकी शादी हो रही है। शादी की मुबारकबाद दीजिएगा और तोहफे में वो कफन जो उसकी शादी के बाद नाहिद का नसीब बन जाएगा, और उस कफन की सफेदी की वहशत नासिर के मोहब्बत करने वाले दिल में आपकी मजबूरियों का अक्स उतार देगी, और फिर नासिर भीख मांगेगा अपने माँ बाप से अपनी मोहब्बत की, अपनी जिंदगी की। इस तरह से आपकी वजादारी भी कायम रह जाएगी और नाहिद की जान भी बच जाएगी। ठीक है अमजद बेटे, जैसे तुम कहते हो ऐसे ही कर ले। बनने तो इतना अरमान था, औरत चेहरे पर झूठी शर्म सजा कर आंखें भी बंद कर ली है। अरे शायदा आंखें तो खोल, तुम्हारी आंखों में सुरमा डाल दे। क्यों फाट बिखर जाएंगे? मुंह से तो कुछ बोल। क्यों? अपने नसीब बदकिस्मती ने एक लफ्ज पे चुरा लिया तो शायद नक्शा ही बदल जाए। माफ करना, यहाँ सेठ फयाज साहब कौन है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जी मैं सेठ फयाज हूँ, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ताहरली कहते हैं, मैं कराची से आया हूँ, आपसे बहुत जरूरी बातें करना चाहता हूँ जरा अलहदगी में। अरे साहब एक लाख बातें कीजिए, मगर मैं अपने बेटे की शादी से तो फारिग हो दूँ। नहीं सेठ साहब, इन बातों को शादी से पहले सुन लीजिए।
वरना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बेटे की शादी और आपकी बेटी की जिंदगी की बर्बादी? बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई ताहिर अली साहब, इसलिए कि मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं अपने बेटे को साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था और आपने जो सलूक हमारे साथ किया था वो भी शायद आपको याद होगा। बात जख्मों पर नमक छिड़कने की नहीं, इंसानी हमदर्दी की है फयाज साहब। मैं भी कोई दुश्मन बनकर आपके पास नहीं गया था। आपका ये परेशान चेहरा, ये इल्तजा का अंदाज, मैं सब समझता हूँ आप क्या चाहते हैं। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं मेरी जिंदगी का हासिल है। बरसों की कोशिश के बाद खुदा मेरी मुराद पूरी कर रहा है और आप रास्ते की दीवार बनना चाहते हैं। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। नासिर, अब क्या लेने आई हो? अपने जुर्म और मोहब्बत का इकरार कर ले, अपनी गलती तस्लीम करने आई हूँ। नासिर, तुमने कोई जुर्म नहीं किया है नाहिद। एक मोहब्बत करने वाले इंसान का दिल तोड़ा है, एक मर्द की तौहीन की, और मॉडर्न तहजीब और रस्म रिवाज के मुताबिक ये कोई जुर्म नहीं। मैं तुम्हें कसूरवार कैसे ठहरा सकता? यू मत कहो नासिर, यू मत कहो। मैं लाखों सही लेकिन तुमसे बेनतहा मोहब्बत करती हूँ। कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत? मोहब्बत उन घरों में जन्म नहीं लेती जहाँ माँ बाप अपनी आजाद बेटियों को तनहा एक लंबे सफर पर जाने की इजाजत दे देते हैं, बहरूप भरने की तरबियत देते हैं और एक नाटक रचाने पर बुरा नहीं मानते। तुमने जो कुछ भी किया तुम्हारी तहजीब में वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो नफरत का तमाचा जो तुमने मुझे मारा था मेरे लिए ही नहीं, नई नस्ल की इसलाह के लिए बहुत जरूरी था। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार। तुमने मुझे ही नहीं कई लोगों को सिखा दिया है कि लव मैरिज से वो शादी कहीं बेहतर है जो माँ बाप के फैसलों के मुताबिक हो, और कोर्टशिप वो आवारगी है जो हमारी तहजीब को जेब नहीं देती, और लड़की को देखकर पसंद करना वो जुर्म है जिसकी सजा में तुम मुझसे मोहब्बत करने के बावजूद नहीं पा सकती और मैं तुम्हें चाहने के बावजूद अपना नहीं सकता। इसलिए कि शर्म हया और शराफत में लिपटी हुई एक दुल्हन मेरे माँ बाप के फैसले के मुताबिक अब मेरी तकदीर बन चुकी है और मुझे अब तुमसे नहीं अपनी तकदीर से मोहब्बत है। इससे पहले कि तुम्हारी यहां मौजूदगी तुम्हारे लिए इल्जाम बन जाए इस घर से चली जाओ। नहीं ना सिर्फ बदल नहीं सकता और जो कुछ खो चुके हो तुम अब पा नहीं सकते। ये तुम्हारा फैसला है नासिर, जो शायद तकदीर को भी मंजूर नहीं है। इस शर्मो हया शराफत और तहजीब को तुमने आज अपनाया है, उस तहजीब में लिपटी हुई दुल्हन ने अगर आज नाहिद को इस घर से खाली दामन लौटा दिया तो कलबों की आजाद फिजा में बहकने और भटकने वाले घर वापस कैसे लौटेंगे? ये घर जहां मैंने तुम्हारी आरज़ू और खुशियों का एहतराम किया और तुमसे बेनाम सी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो सिला नहीं मांगती, और वो मोहब्बत कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं नाहिद की खुशियों को अपने चेहरे पे सजाकर तुम्हारी बन जाऊं। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, मेरी दुआ है कि सदा एक दूसरे के रहो। मेरा क्या है, मैं तो रास्ते की वो दीवार हूं जो तुम्हारे कदमों पे गिरेगी, तुम्हारे कदमों को कुचलने के लिए नहीं, चूमने के लिए। इसलिए कि मैंने भी तुमसे प्यार किया है और मेरा कसूर भी कोई नहीं। Thank you.